हेलो गाइस, आज मैं तीन ऐसी वैम्पायर मूवीज के बारे में बताऊंगा जो कि आपको काफी पसंद आएगी। पहले नंबर की मूवी है ब्लेड। इस मूवी में वैनेसा नाम की एक औरत दिखाई जाती है जिसे एक वैम्पायर काट लेता है और वो जिस बच्चे को जन्म देने वाली होती है वो आधा इंसान और आधा वैम्पायर होता है। उसी दौरान वैनेसा भी मारी जाती है। अब ब्लेड अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए सभी वैम्पायर्स को मारना शुरू कर देता है। इस मूवी का टोटल तीन पार्ट है जो कि आपको काफी पसंद आएंगे। दूसरे नंबर की मूवी है ट्वाइलाइट। इस मूवी में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे एक लड़के से प्यार हो जाता है मगर वो लड़का वैम्पायर होता है और उसकी पूरी फैमिली भी वैम्पायर्स की होती है। पर कुछ और भी लोग रहते हैं जो कि भेड़ियों में बदल सकते थे और वो वैम्पायर्स का शिकार करते हैं। उसी बीच वो लड़की डिसाइड करती है कि वो अपने प्यार को पाने के लिए वो भी वैम्पायर बन जाएगी। अब आगे की कहानी आप इस मूवी के अंदर देखिए। इस मूवी का टोटल पांच पार्ट है जो कि आपको काफी पसंद आएंगे। तीसरे नंबर की मूवी है अंडरवर्ल्ड। इस मूवी में हजारों साल पहले की कहानी दिखाई जाती है जहां एक आदमी की वजह से धरती पर वैम्पायर्स और भेड़ियों का जन्म होता है मगर वैम्पायर्स और भेड़िए एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और उन दोनों के अंदर सुपर पावर्स होती है और वो अमर होते हैं इसलिए उन्हें मारा भी नहीं जा सकता। इस मूवी के टोटल छह पार्ट है जो कि आपको काफी